ये कलर नहीं आना नहीं, नहीं।, नहीं। फिर ग्रीन और ये ग्रीन नहीं, ये ब्लू कर दे, फिर ब्लू कर दे। सो आई लव इट्स कलर एंड द वे इट स्टेज इट्स ब्यूटीफुल लग रहा है ना। कलर्स अच्छे हैं सबके, कलर्स की वैरायटी बहुत अच्छी है, पेंट्स बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तुबन, वेलकम बैक। कैसे आप सब, ठीक है? तो बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि बीमार थे, बीमार होने के बाद अब मैं सेहत याब हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे कैमरा उठाए अपना ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो वो सब लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। और वो सब लोग जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, हमें मोटिवेट किया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और वो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हों वो आप सब देख सकें कि लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपको बताते चले कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग करते हैं जी घर की ब्लॉगिंग, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, किस तरह से हम अपने लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। वी आर न्यूली वेड्स और हम सेपरेट रहते हैं, तो ये हमारी लाइफ की स्टोरी है जो हम आपके अपने ब्लॉग्स के थ्रू आपके साथ शेयर करते हैं। अभी की आज की अपडेट ये है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, मामा के साथ जा रहे हैं बाज़ार क्योंकि रोज़ा खुल चुका हुआ है, इफ्तारी वगैरह कर ली हुई है। तो अब मुझे मामा के साथ बाज़ार के लिए निकलना है क्योंकि मामा ने मुझे ईद की करवानी है शॉपिंग। और मामा मुझे कह रही थी कि तुम साथ चलो, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो तुम खुद ही चल के देख लो, तो इसलिए मैं मामा के साथ जाऊँगी, उसके लिए तैयार होने लगे हैं। और बाज़ार जाने की जो मेरी लुक है वो मैं भी आपके सामने फिल्म करूँगी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि हमने जाना है लोकल बाज़ार, हमने पैदल चल के जाना है। तो इसलिए मैंने अपनी लुक जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक रखनी है, वो लुक जिसको आप बाज़ार में कैरी कर सकते हैं जो बुरी ना लगे, तो वो लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस ब्लॉग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा स्वेल हूँ, मेरा जो फेस है वो पूरा राउंड हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाया हुआ है, ड्रिप्स लगे हुए हैं, इंजेक्शन एंड ऑल दैट, तो जिसकी वजह से मैं फुल गोल हुई हुई हूँ। इग्नोर माई फेस। जो मेकअप लुक है वो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी क्योंकि गर्मी है तो पंखे चल चुके हुए, जिसकी वजह से जो बाल है वो बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको पहले टाई कर लूँगी, रफली टाई करूँगी क्योंकि अभी इसके बाद बालों को सेट करना है, ठीक है? तो फेस में वो मैंने बहुत ही सिंपल, क्योंकि आईब्रो मेरे भी बने नहीं हुए हैं, यहाँ पे रफ हेयर्स हैं जो वो आपको दिख रहे होंगे, तो सिंपली जो मेरी आईब्रो की शेप है उसी को फॉलो करते हुए मैं इसको ड्रैग करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे इसको स्ट्रॉन्ग आईब्रो लुक नहीं देनी है, बिल्कुल लाइट से सिर्फ इसको मैं ड्रॉ करूँगी ताकि मेरे आईब्रो की थोड़ी सी जो शेप है वो एनहांस हो जाए। लाइट सो, बस इतना ही, मुझे इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करना। दिस लुक्स नेचुरल। इस तरह मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी क्योंकि मैंने अपनी आईलैशेस को कुछ भी नहीं लगाना, ना मुझे आईलाइनर लगाना ना ही मस्कारा लगाना, क्योंकि बाज़ार में घूमना है तो मेरी कोशिश यही है कि मेरी आंखों पे कुछ भी नहीं हो, दे लुक रियल नेचुरल। तो जितना नेचुरल मैं अपने लुक को बना सकती हूँ उतना नेचुरल मैं बनाऊँगी। जो लुक होती है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए। एंड आई एम टेकिंग माय लोरिया न्यू बेबी लिपस्टिक, मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। ओके, तो गर्मी की वजह से ये मेल्ट हो गई है इसलिए बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड। ओके, लेट्स डू दिस। अब इसको ब्लेंड करेंगे फिंगर से और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, वी ब्लेंड इट आउट नाइसली। इसको ब्लेंड करेंगे, इतना ब्लेंड करेंगे कि ये स्मूथ डाउन हो जाए। लेट्स ब्लेंड नाइसली। ओके, तो मुझे अपने ब्लश को हाई चीक ब्लेंड करना बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे अपने ब्लश को ऐसे इस शेप में अप्लाई करना पसंद है। ओ वाह, लुक हाउ गॉर्जियस इट लुक्स विदाउट एनी फाउंडेशन एंड कंसीलर। सर दूसरी साइड को भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो सीमलेस दिखे, कोई कह ही नहीं सके कि आपने इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई कर दिया। सो आई एम यूजिंग माई टू फिंगर्स टू ब्लेंड इट आउट। वैसे भी अब गर्मी हो चुकी हुई है तो स्किन है वो ऑटोमेटिकली ऐसी ऑयली हो जाती है कि आपको चीज़ें ब्लेंड करने में आसानी होती है, सर्दियों में स्किन होता है ड्राई हो जाती है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है स्किन को प्रेप करने की। कितना खूबसूरत और नेचुरल लुक आ रही, ठीक है, बिल्कुल भी कोई फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, जो नेचुरल स्किन है मेरी उसी के ऊपर मैंने इस ब्रश को अप्लाई कर लिया है। तो लिप्स के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी क्रिस्टीन की लिप पेंसिल है, ये इसका शेड नंबर है 302 और नेम है ड्रैगन रेड, बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज शेड है, ठीक है। और
इसको मैं सिर्फ अपने लिप्स को लाइन करने के लिए यूज़ करूँगी, फिलिंग नहीं करूँगी मैं इससे। और मैं अपने लिप्स को किस हमेशा, क्योंकि जो मेरी लिप्स हैं वो छोटे साइज़ की हैं, तो इनको मैं हमेशा ओवर लिप करती हूँ ताकि थोड़े से फिलर दिखे। और जो लिप पेंसिल मैंने अप्लाई की उसके ऊपर मैं चैपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ग्लोसी लुक आए। और बाज़ार में जाना है तो जो लिप्स हैं वो हाइड्रेटेड ही ड्राई नहीं हो, क्योंकि पैदल घूमना है, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया लिप पेंसिल का और चैपस्टिक का, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहा। मेकअप लुक है, बाज़ार की मेकअप लुक जो है वो कम्प्लीट हो चुकी हुई है। तो अब जो अपने बाल हैं जो मैंने रफी को टाई किया था, उनको खोलेंगे ताकि इनको देखते किस तरह से बांधना है, क्योंकि बाजार में खुले बाल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो अच्छे से हेयर स्टाइल बनाएंगे लाइट सा, जो बाजार में गर्मी भी ना लगे। वैसे तो हमें जितने भी आउटलेट्स पे जाना है वहाँ पे सब एयर कंडीशन भी होते हैं, लेकिन फिर भी बाजार में आपको पता है इतने सब लोग होंगे तो गर्मी हो ही जाती है, तो इसीलिए अच्छे से बाल हैं। तो मैंने तकरीबन, और आज मैंने बहुत एमरजेंसी में शावर लिया था, मैं अपने बालों को कंडीशन करना ही भूल गई हूँ। तो बालों की स्टाइलिंग भी जिस तरह से करेंगे, ये साइड पार्टीशन किए भी अपने हेयर्स की, तो दोनों साइडों पर जो मेरे बालों के छोटे छोटे से फ्लिप डाउन को बाहर निकालने के बाद जितने मेरे बैक पे हेयर्स हैं उनको मैं टाई करूँगी हाई पॉनिटेल में, पॉनी करेंगे इनको। ये जो बेबी हेयर्स हैं इनको मैं ऐसे ही रहने दूंगी ताकि थोड़ी सी रफ्यू दिखे, बिल्कुल भी इसलिए कि टाइट हेयर्स ना हो जाए, क्योंकि वरना बाजार में जितना रश होता है ना फिर सर दर्द शुरू हो जाती है और मुझे तो बहुत जल्दी सर दर्द होने लग जाती है। सो दिस इज़ माई बाजार लुक, इस तरह से मैं अपना मेकअप और हेयर स्टाइल करती हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल बाजार लुक फॉर शॉपिंग, आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। जी, तो अब मुझे अपने लिए कह रहे हैं जी जूते सेट, और मैंने ये जूता सेट किए, ये मैं पहनूंगी, ये बहुत ही कम्फर्टेबल होता है क्योंकि बाज़ार में हमने पैदल चलना है, तो 10-15 मिनट तक हमने पैदल जाना, फिर बाज़ार आएगा उसके बाद फिर जब शॉपिंग करनी है 2 घंटा 2 लगेंगे। तो ऐसा जूता पहने के जो कम्फर्टेबल, और ये मेरे सबसे फेवरेट पेयर है, जब भी मुझे पैदल चलना होता तो मैं ये पहनती हूँ, और आज की लुक इसी के साथ चलेगी। और दुपट्टे के लिए मैं यूज़ करूँगी ये बड़ी ही चादर, क्योंकि बाज़ार जा रहे हैं तो अपने आप को अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि बाज़ार में बहुत ही रश होता है और आपको सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप बाज़ार जाएँ, खासतौर पे ऐसे दिनों में जब रोज़ हो और ईद वगैरह हो, तो अच्छी तरह से अपने आप को किसी बड़ी सी चादर से कवर करें। तो यहाँ पर मैंने ये लिया जो बड़ी सी चादर, इसको लेंगे सर पे सेट करेंगे, तो सेट करके दिखाते हैं इसको अच्छी तरह से, पूरा पीछे तक जाना चाहिए ठीक है, क्योंकि मेरी जान बाज़ार जा रही है और बाज़ार में अच्छी तरह से खुद को कवर करेंगे ताकि अगर आपके पास से कोई गुजरे भी तो यू डोंट फील ऑकवर्ड। ओके, तो सबसे पहले जी हमें डिसाइड करेंगे हाथ तक मुझे दुपट्टा लेना ठीक है, ताकि जितना भी एरिया है ये सब कवर हो जाए लाइक दिस। इस साइड को आगे करेंगे ठीक है, और मम्मा कहती है जब भी बाजार जाएं आपका ये जो गला है ना ये पूरा ऐसा होना चाहिए लेकिन मैं हमेशा से इतना मैं खुला रखती हूँ, भाई मुझे घुटन होती है, मैं पूरा ऐसे मुझसे नहीं होता, तो इतना तो मैं हमेशा अपना दुपट्टा जब भी बाजार जाती हूँ तो मैं ऐसे सेट करती हूँ ताकि मैं सांस ले सकूँ ठीक है। तो इसको यहाँ पे करेंगे पिनअप, परफेक्ट। Thank you.
घर से तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे मार्केट में, हो सकता है मैं वहाँ पे ब्लॉग करूँ। वैसे तो कभी भी मैंने पब्लिकली ब्लॉग नहीं किया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा, और मार्केट में देखते हैं कैमरा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो जहाँ से जो जो भी शॉपिंग कर रही होंगी कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। तो विश मी लक एवरीवन, मिलते हैं जी आपसे मार्केट में, तब तक के लिए बाय। अच्छा जी, तो मम्मा की तरफ आ गई, भी चाय वगैरह पी है मैंने अभी, और अभी हमने मार्केट के लिए निकलना है। मम्मा नमाज पढ़ी है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। और यहाँ जाना है, लेकिन डैडी तो आपके नहीं भेज रहे आपको, और अभी आने जाना है शॉपिंग के लिए। ठीक है, मैं पापा को कहें पापा जाना है शॉपिंग पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी थोड़ी सी चले जी, कह दिया जी। हाँ जी अभी, हाँ लेके जाने हैं मुझे। अच्छा जी, लेके जाना अभी है जाना शॉपिंग के लिए, तो कौन खिलाएगा आपको? कपड़े लेने होते तो क्या करूँ, कोई भी नहीं कपड़े मेरे पास, ना ट्राउजर है, कुछ भी नहीं है। देखें इसका तो हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा, मुझे लगा था मुझे शॉपिंग की जरूरत है। मैंने अपने जूते ले लिए, कोई भी जूता बहुत तेज है जी बच्ची, इधर देखिए अदाकारियाँ। मैं जल्दी से अपने फिनिश करूंगी, फिर उसके बाद निकलना है हमने, ठीक है? सो करेंटली वी आर ऑन साया, और यहाँ पे हमने कौन सा ड्रेस पसंद किया, हमने एक किया टू, ठीक है, हमने टू पीस ड्रेस जो है वो पसंद किया, और दूसरा मैंने थ्री पीस, क्योंकि शॉपिंग मामा की तरफ से हो रही है तो हमने एक ये वाला ड्रेस है ये सिलेक्ट किया, ये थ्री पीस ड्रेस है, ये मामा को अच्छा लगा था तो इसके एक्सचेंज हमने दूसरा एक्सचेंज करके ये लिया इसकी जगह पर, और दूसरा थैंक यू बहुत अच्छा। और ये मामा ने अपने लिए शर्ट बाय किया, मामा को बहुत अच्छे लग रहे थे तो मामा से इसके मुझे ये लेनी है, मैंने कहा ठीक है आप ले ले। वैसे मुझे यहाँ पे रेडीमेड ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था, बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट हमने इसको छोड़ दिया, बट आई विल बाय इट मे बी सून। हाँ जी, और वो थर्ड वाला ड्रेस भी दिखाएं जो हमने बाय किया, नहीं ये नहीं है ये वाला, तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने किसी भी कॉस्ट पे नहीं जाने दिया। ये यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत समर प्रिंट बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए हैं इसके ऊपर, जो समर में आप इजीली वेयर कर सकते हैं, ठंडे कलर है इसमें, और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, तो मैंने एक ये अपने लिए लिया। और कभी ये जो आउटफिट है ये शारदा के हैं, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं अगर आप इस एरिया में रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी यहाँ पे लगी हुई, अफोर्डेबल रेट्स आप कह सकते हैं कि, तो मामा जो है वो थोड़ा सा मैं लुक अराउंड कराएंगी ड्रेस के लिए। तो यहाँ पे रेडीमेड साड़ी लगे हुए थे ऑफर, रेडीमेड मैं वैसे लेती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने रेडीमेड नहीं लिया, लेकिन मुझे पसंद बहुत आया, एक ये मुझे चिकनकारी का ड्रेस बहुत पसंद आया था, बट बिकॉज इट्स स्टिच तो मैंने इसको नहीं लिया, स्टिच ड्रेसिंग मैं नहीं लेती हूँ। By the way, it's beautiful. I love its color, and the way it stays, it's beautiful. Maybe next time. So I want to show some outfits. ये भी अच्छा लग रहा है ना? कलर्स अच्छे हैं सबके, कलर्स की वैरायटी बहुत अच्छी है, पेंट्स बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए हैं, मतलब अगर आपकी एज 18 to 25 है तो आपके लिए बहुत ही वेरिएबल प्रिंट्स हैं, ब्यूटिफुल। ठीक है जी, तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब हम चलेंगे यहाँ से क्योंकि हमें और भी शॉपिंग करनी है। सो दिस इज हाउ द ऑफिस लुक्स लाइक, हेलो थैंक शॉपिंग मैट्रेस, थैंक यू बहुत शुक्रिया। पट्टे के साथ कौन सी लैस है इसके साथ? ये वाली लैस इसके साथ सेलेक्ट की गई है, और इसके साथ मैंने ये वाली लैस, ये कॉटन लैस है, ये मैंने इसके साथ मैच की ग्रीन के साथ, और इसके साथ मुझे अच्छी सी दिखाए ना, नहीं ये वाली इन्हीं स्टाइल लगाए वो इसी तरह नहीं कर दे, ठीक है, और इसके साथ कोई अच्छी मैच करे, मुझे ये मुझे चाहिए ग्रीन शेड ही चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आए हैं लैस शॉप पे, और ये मेरे दुपट्टे हैं जिनके साथ मैं लैसेस मैच करवा रही हूँ,
अभी तक समझ नहीं आ रही क्या होना चाहिए। लेकिन ये ड्रेस में ये रेड कलर नहीं है ना, ये वाले कलर है, ये वाले कलर है, येलो ग्रीन। हाँ जी, नहीं ये नहीं, अब ये वाले शेड मैच करे, ब्लू को छोड़ दें। तो लेस मैच करना सबसे मुश्किल काम है आज के दौर में। वैरायटी बहुत अच्छी है, हमेशा यहीं पे आते हैं। नहीं, ये भी पल्लू स्टाइल है, ये भी पल्लू स्टाइल है। इसमें ग्रीन सा कोई मैच करे कलर। हाँ, ये ब्लू कर दे, ये ग्रीन ये बहुत ही नहीं, ये बहुत दुपट्टे दे ना, वो तो है लेकिन ड्रेस में ये कलर नहीं है ना। नहीं, फिर ग्रीन और ये ग्रीन लगता है। नहीं, ये ब्लू कर दे, फिर ब्लू कलर कर दे, ये ब्लू मैच कर दे, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला कलर ग्रीन का ना, ये चाहिए, ये इसके साथ मैच। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। नहीं, सिर्फ दो साइड पे करना है, चारों साइड पे करना। हाँ जी, मेरे सब दुपट्टे मैंने यहाँ पे देख लिया, ये भी काम फाइनल हो गया। में जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, ये लोकल मार्केट है हमारे शारदा की। ओह क्या मजेदार है। अच्छा जी, तो शॉपिंग करके मैं घर वापस आ चुकी हूँ। जो कपड़े थे वो मामा की तरफ ही छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने स्टिच करवा के मुझे भेजने हैं। और अब यह है कि बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी थी बाज़ार में। तो जब आउटलेट के अंदर होते थे तो ठंडा था, बाहर आते थे बहुत गर्मी थी। अनफ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू बी द पावरफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।